अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। जो है अभी मैं और फ्रेंड्स हम लोग अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं इटली। तो जी मैं अभी हूँ रियाद एयरपोर्ट पे और मेरी भी फ़्लाइट है रियाद टू इटली रोम। तो मैं भी जो है वो फ्रेंड के साथ रोम के टूर पे जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए इंशाल्लाह। तो हमारे टूर में फ़िलहाल तो अभी इटली कवर्ड है। हमारा प्लान है कि वहाँ जाके हम देखें कि साथ में जो एक दो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें भी विज़िट किया जाए। बाकी इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स बना के अपडेट करता रहूँगा। अभी जो है काफ़ी रश तो नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर, नॉर्मल सा क्राउड है। काफ़ी खूबसूरत फाउंटेन बना हुआ है यहाँ पे और एयरपोर्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आज क्राउड नहीं था इतना ज़्यादा क्योंकि काफ़ी लोग जो थे वो वीकडेज पे ट्रैवल नहीं करते, वीकेंड्स पे ट्रैवल करते हैं, इसलिए आज इतना रश नज़र नहीं आ रहा। और नीचे ही बहुत ज़बरदस्त फाउंटेन बना हुआ है जिसकी बड़े प्यारे इन्होंने फ्लावर्स लगा के सजाया हुआ है। और मतलब एक चीज़ आपको नज़र आती है कि इसकी केयर करते हैं वो लोग, इसको मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट गेट्स बने हुए हैं, 24 नंबर गेट। और यहाँ से आप व्यू देखें, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इसका, जिसकी वजह से काफ़ी शोर भी आ रहा था। अभी मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ तो ये साथ में लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये ड्यूटी फ्री शॉप भी है जिसके ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह बाय कर सकते हैं और डिफरेंट कन्फेक्शनरी की आइटम्स बाय कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ और ये पाउल बेकरी है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ सऊदीया में। गेट नंबर 22, हमारा गेट नंबर 21 है तो उसकी तरफ चलते हैं। और ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वेंडिंग मशीन्स लगाई हुई हैं यहाँ पे, जिसमें आप इजीली जो भी आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए, ये मेडिसिन की है। इसमें हमारे टूर में मज़े की बात ये है कि हम लोग जो है वो फर्स्ट टाइम एक न्यू एयरलाइन लॉन्च हुई है सऊदी में, वो ट्राई कर रहे हैं। उसका नाम है विज एयरलाइन, WIZZ विज एयर। तो उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। बजट एयरलाइन है तो इसलिए हम लोगों ने लगेज वगैरह कुछ भी नहीं लिया, हम लोगों ने सिर्फ बैकपैक की ऑप्शन ली हुई थी। और क्योंकि हमारा टूर भी सिर्फ एक हफ्ते का था इसलिए हम लोगों ने जो है ये सोचा कि एक बैकपैक ही लेंगे, उसी में जो है वो वन वीक के जो भी कपड़े वगैरह होंगे वो रखेंगे, देन वी विल कंटिन्यू आवर ट्रैवल। अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज करवाने, यहाँ पे फॉरेन करेंसी की बनी हुई है एक्सचेंज, तो इंशाल्लाह एक्सचेंज करवाते हैं। ये ड्यूटी फ्री का दूसरा व्यू है, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल लगी हुई है जिसमें परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स और विद इन 100 रियाल आपको परफ्यूम अच्छे ब्रांड का मिल जा रहा है। हम चलते हैं एटीएम की तरफ, यहाँ पे अपना कार्ड डाल के यूरोस विड्रॉ करवाते हैं यहाँ से। जी मैंने करेंसी विड्रॉ करवा ली है, अभी आपको दिखाता हूँ बड़े डिफरेंट कलर्स के और बड़े ब्राइट कलर के नोट्स हैं यूरोस। तो अभी बस ये कि वेट करते हैं, थोड़ा सा मुझे काम है ऑफिस का, तो वो मैं अभी इधर बैठ के करता हूँ। बाकी फिर इंशाल्लाह आपको जब ऑन बोर्डिंग स्टार्ट होती है
फिर आपको दिखाते हैं। ये हैं चीन के करेंसी नोट्स, काफ़ी डिफरेंट कलर है, बिल्कुल लाइट ग्रीन, और ऊपर ये यूरो की लेबलिंग है, और ये जी 100 यूरो का नोट है, और इसके ऊपर कोई किसी फाउंडर की, किसी कोई पर्सन की कोई पिक्चर नहीं है, और शायद इसके अंदर कुछ, जी ये कुछ बना हुआ है अंदर, अंदर वाली साइड पर ये है एक मार्क, उसके अलावा बाहर विजिबल साइड के ऊपर कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं है। काफ़ी ब्राइट कलर की है, फैंसी, चले स्पेंड करेंगे तो पता लगेगा। अभी हम लोग जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो बोर्डिंग के लिए अभी लाइन में लगे हैं, इंशाल्लाह 5 मिनट तक हम फेमस बैठ जाएंगे, इंशाल्लाह बोर्डिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। ऑनलाइन चेक इन किया था, ऑनलाइन चेक इन की फैसिलिटी थी अवेलेबल, ऑनलाइन चेक इन हो गया था कल, उसके बाद जो है वो आज आके बोर्डिंग पास लिया, वो भी बड़ा स्मूथ प्रोसेस था। फिर उसके बाद वेट किया, फ्लाइट थोड़ी लेट हुई है, करीबन आधा पौना घंटा लेट है, लेकिन जो है वो अभी स्टार्ट हो गया बोर्डिंग इन शाला। अभी जो है काफ़ी रश है, और ये हम आ गए हैं प्लेन में बैठ के, अभी इसके फ्लाई होने का वेट कर रहे हैं, तो अभी कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी, चेकिंग्स वगैरह होंगी, देन फिर वी विल कंटिन्यू आवर फ्लाइट। काफ़ी नीट एंड क्लीन जहाज बना हुआ है, बोर्डिंग कम्प्लीट हो चुकी है, थोड़ी बहुत थोड़ी देर में फ्लाइट कर लेते हैं। जी मैंने अपनी जैकेट वगैरह हैंग कर दी, अपना सामान रख दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास 5 सीट्स खाली थी, 3 सामने और 2 मेरे साथ, तो ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं फ्लाई होने के बाद आराम से यहाँ पे सो सकता हूँ। सारे लोग अपना सेट वेट हो गए हुए हैं, और प्लेन भी फ्लाई करने वाला ही है। आज जो है वो फ्रांस और अर्जेंटीना का फाइनल भी है, सारे लोग हैं वही देख रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं लोगों की, काफ़ी एक्साइटेड मैच हो रहा है, क्योंकि सेकेंड हाफ में आके अर्जेंटीना के 2 गोल थे और 15 मिनट रह गए हुए थे, और वहाँ पर फ्रांस ने 2 गोल कर दिए हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, फिर उनको 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला, देन अगर उसके अंदर भी कोई गोल नहीं होता देन फिर पेनल्टीज़ की तरफ जाएगा मामला इंशाल्लाह। तो लेट्स सी क्या होता है, मेरा तो वैसे फ्रांस के हक में हूँ, तो फ्रांस को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, तो फुली देखें फ्रांस ही अच्छा है। अभी जो है वो प्लेन और
कॉनवे की तरफ चलना शुरू हो गया हुआ है और यहाँ पे हम लोग तकरीबन अनवे पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी जो प्रॉपर जहाँ से प्लेन अपना स्टार्ट लेता है, ये आपको ग्रीन लाइट्स आगे नज़र आ रही हैं, यहाँ से प्लेन अपनी सीधा खड़ा होगा और देन थ्रोटल मिलेगा और देन इट विल फ्लाई। तो अभी बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे प्लेन। अभी यहाँ पे प्लेन इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का और अब हमें सिग्नल मिल चुका हुआ है और यहाँ से हम टर्न लेंगे रनवे की तरफ और जहाँ पे ये टर्न ले लिया और ये दूसरा जहाज़ वो पीछे से आ रहा है, इसी तरह ही वो इंतज़ार करेगा और जब हम लोग हमारा प्लेन फ्लाई करेगा देन इट विल कम। तो अभी बस कुछ मिनट के अंदर उड़ने वाला है प्लेन। ये स्टार्ट हो चुका और जब एकदम से स्टार्ट होता है तब थोड़ा इंसान कॉन्शियस हो जाता है, तब जितनी भी दुआएं आती होती हैं वो याद आ जाती हैं। और अभी फुल स्पीड के साथ रन करेगा और अभी विद इन सेकेंड्स जो है उसकी स्पीड 500 किलोमीटर्स और इससे भी ऊपर चली जाती है और ये भी फ्लाई कर गया जहाज़। और नीचे से जो खूबसूरत व्यू अभी आप देखेंगे कि नीचे सिटी का जो लाइटिंग है, सिटी की खूबसूरती है और रात के टाइम कितनी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा डर लग रहा होता है क्योंकि प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी पूरी तरह से क्लाइम नहीं किया प्लेन ने, तो ये भी पूरी तरह से क्लाइम कर चुका है और अभी नीचे आपको सिटी की रोशनियां नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे दिन चढ़ा हुआ है। Few moments later. जी हम लैंड कर गए हैं यहाँ पे इटली रोम में और अभी यहाँ पे रात के 3-4 बज रहे थे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरियत से पहुँच गए हैं। ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, यहाँ पे भी जो लोग हैं वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको टूर के अगला पार्ट दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।